हेलो एवरीवन, क्लास 12 इंग्लिश, कलाइडोस्कोप, चैप्टर 1, अ लेक्चर अपॉन द शैडो, रिटन बाय जॉन डन, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, क्वेश्चन 1, हाउ डू शैडोज बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शैडोज आफ्टर नून, व्हाट डू द टू काइंड्स ऑफ शैडो रिप्रेजेंट। प्रश्न 1, दोपहर से पहले की छाया दोपहर के बाद की छाया से किस प्रकार भिन्न होती है, दो प्रकार की छायाएं क्या दर्शाती हैं। Answer, shadows before noon get smaller as the time flies. But shadows after noon get longer as the time flies. Morning shadows represent initial hesitation and doubt in a relationship, which go away as the relationship grows. Afternoon shadows represent lack of trust and apathy which increase when the relationship starts souring. Uttar, dopahar se pehle ki parchhaiyan samay bitne ke saath choti hoti jati hain. लेकिन दोपहर के बाद की परछाइयां समय बीतने के साथ लंबी होती जाती हैं। सुबह की परछाइयां रिश्ते में शुरुआती झिझक और संदेह को दर्शाती हैं, जो रिश्ते के बढ़ने के साथ दूर हो जाती हैं। दोपहर की परछाइयां विश्वास की कमी और उदासीनता को दर्शाती हैं, जो रिश्तों में खटास आने पर बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन 2, लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट, व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शैडोज। प्रश्न 2, प्रेम को प्रकाश के रूप में वर्णित किया गया है, कवि छाया की बात क्यों करता है। आंसर, लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट बट लैक ऑफ कमिटमेंट एंड डिस्ट्रस्ट आर लाइक शैडोज। लाइफ इज नॉट अबाउट लाइट ओनली, देयर इज डार्कनेस इज वेल। वी गेट स्वीट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। उत्तर, प्यार को रोशनी कहा जाता है, लेकिन प्रतिबद्धता की कमी और अविश्वास छाया की तरह हैं। जीवन में केवल रोशनी ही नहीं है, इसमें अंधेरा भी है। हमें जीवन में लगभग बराबर मात्रा में मीठे और कड़वे अनुभव मिलते हैं। क्वेश्चन 3, कमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेज ऑफ द शैडोज फॉर द आइडिया दैट द पोएट वांट्स टू कन्वे। प्रश्न 3, कवि जो विचार व्यक्त करना चाहता है उसके लिए छाया की छवि के उपयोग पर टिप्पणी करें। Answer, the poet has marvelously used shadows to illustrate various emotions which are present in love although lack of them would make for perfect love. Shadow has been used as a metaphor for various negative feelings, like hesitation, doubt, distrust, apathy, etc. Uttar, kavi ne prem mein maujood vibhin bhavnaon ko darshane ke liye chhaya ka adbhut upyog kiya hai, halanki unki anupasthiti bhi poorn prem ko darshati hai. छाया का उपयोग विभिन्न नकारात्मक भावनाओं जैसे संकोच, संदेह, अविश्वास, उदासीनता आदि के रूपक के रूप में किया गया है। क्वेश्चन 4, द पोएट सीम्स टू बी एड्रेसिंग हिज बिलव्ड इन द पोएम, व्हाट इज द मैसेज ही विशेस टू कन्वे टू हर। प्रश्न 4, कवि इस कविता में अपनी प्रेमिका को संबोधित कर रहा है, वह उसे क्या संदेश देना चाहता है। Answer, the poet wants to convey various messages regarding progression of love from initial phase to its end. The poet literally takes his lover to the roller coaster ride of demanding relationship between two people. Commitment in a relationship is not an easy affair. It takes its toll and extracts its price from the people who are in relationship. Uttar, kavi prem ke aarambhik charan se lekar ant tak ki pragati ke bare mein vibhin sandesh dena chahta hai. कवि वस्तुतः अपने प्रेमी को दो लोगों के बीच मांग वाले रिश्ते की रोलर कोस्टर सवारी पर ले जाता है। किसी रिश्ते में प्रतिबद्धता एक आसान मामला नहीं है। यह उन लोगों से टोल लेता है और उनकी कीमत वसूलता है जो रिश्ते में हैं। द रिलेशनशिप नीड नॉट बी ओनली बिटवीन टू लवर्स, इट कैन बी बिटवीन टू फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। यह जरूरी नहीं कि रिश्ता सिर्फ दो प्रेमियों के बीच ही हो, यह दो दोस्तों, भाई बहनों, माता पिता और बच्चों आदि के बीच भी हो सकता है। क्वेश्चन 5, इंस्टेड ऑफ अ लेक्चर अपॉन लव, द पोएट कॉल्स द पोएम अ लेक्चर अपॉन द शैडो, व्हाट इज द इफेक्ट दैट दिस हैज ऑन आवर रीडिंग ऑफ द पोएम। प्रश्न 5, कवि ने कविता को प्रेम पर व्याख्यान की जगह छाया पर व्याख्यान कहा है, इसका कविता को पढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर, हैड इट बीन अ लेक्चर अपॉन लव, The reader could have taken as is a candy floss romance with all the effects of sugar sweet goodies of life. But the actual title, i.e., A Lecture Upon the Shadow, is a giveaway that that poem is not about a life of bed of roses. It is about thorns which always come bundled with roses. Uttar, agar yeh kavita prem par ek vyakhyan hoti, to pathak ise jeevan ki meethi meethi cheezon ke sabhi prabhavon ke saath ek candy floss romance ke roop mein le sakte the.
लेकिन वास्तविक शीर्षक यानी छाया पर एक व्याख्यान इस बात का संकेत है कि यह कविता गुलाब के बिस्तर के जीवन के बारे में नहीं है। यह कांटों के बारे में है जो हमेशा गुलाब के साथ आते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स विद सूटेबल अमाउंट ऑफ ग्रे एरियाज। सिमिलरली लव कम्स अलोंग विद वेरियस पेन्स एंड ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। जीवन में कई तरह के काले और सफेद पहलू हैं जिनमें कुछ ग्रे क्षेत्र भी हैं। इसी तरह प्यार भी कई तरह के दर्द, मुश्किलें और परेशानियां लेकर आता है। थैंक्स।